भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल भारत में सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। यह दिन पूरी तरह से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित होता है। इसी के तहत शहर में भाजपा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा प्रदेश सचिव चंद्रशेखर बावनकुले, शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, महापौर दयाशंकर तिवारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह दिन अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में साल 2014 में सरकार में जवाबदेही के लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सुशासन दिवस को सरकार के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है। इस अवसर पर शहर में भाजपा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान बात करते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि वाजपेयी जी का योगदान बेहद ही पूर्ण था। उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहला प्रधानमंत्री मिला था। अटल जी राजनीतिक जीवन में पदार्पण करके काम करते रहे और अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा फूंक करके लगातार इस प्रकार की ऊर्जा संचारित करी कि देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व में पहले बार बन सका। अटल जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिनकी पहचान भारत के राजनीति में एक ऋषि तुल्य व्यक्ति के रूप में होते थे। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सारे लोग अटल जी को उतने ही सम्मान के साथ में। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित थे, जिस दरमियान बात करते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके कामों को याद किया। साथ ही उन्होंने महापौर दयाशंकर तिवारी से मनपा को ऐसा बनाने के लिए कहा कि जहां ना किसी पार्षद को आने की जरूरत हो और ना ही किसी आम नागरिक को, उनकी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द हो जाए। त्यामुळे अटलजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक परिणाम सगळ्यांच्या जीवनावर झाला। माझी दयाशंकरजींना एक विनंती आहे की महानगरपालिका अशी तयार करा की ज्या महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवकालाही महानगरपालिकेत यायची गरज पडली नाही पाहिजे आणि जनतेलाही यायची गरज नाही पडली पाहिजे, अशी डिजिटल सिस्टीम महानगरपालिकेत तयार करा। एखाद्या नागरिकाला जर बोलायचं असेल तुमच्याशी तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सने आपल्या घरातून बोलेल, शिष्टमंडळ व्हिडिओ कॉन्फरन्सने बोलेल आणि कोणाचंही काम अडणार नाही। बता दें कि 23 दिसंबर 2014 को वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद मोदी सरकार ने घोषणा की कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।